जेलीफिश मछली का वजन कितना होता है, जेलीफिश का दिमाग कितना होता है, जेलीफिश मछली है वह कितने ग्राम का होने के बाद क्या कर सकता है, बाहर निकलने वक्त क्या होगा, इसी प्रकार के वीडियो के लिए अंत तक बने रहें। गाइस, कौन सा जीव जंतु है जिसका गर्भ अवस्था 3 से लेकर 5 साल तक रहता है? आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड, मैंने तो हाथी सुना था कि 2 साल रहता है, लेकिन नहीं, वह शार्क, समुद्री फिश है, जो शार्क फ्रेलेड 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 है, FRILLED फ्रेलेड जो शार्क है, वह 3 से 5 साल तक उसके गर्भ अवस्था रहता है, उसके बाद बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसे है जो शार्क यानी कि शार्क फिश है, वह कितने दिनों से वह पृथ्वी पर राज कर रहा है, यानी कि पृथ्वी पर आया हुआ है? आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड, इतना पहले ही आ चुका है। जी हाँ, जैसे कि अगर आप शार्क फिश देखे हुए हैं तो 4 सेक्शन लिख सकते हैं। आपको दिखने का नज़ारा कहाँ मिलता है? आपको मिलेगा बेंगलोर, मुंबई, कर्नाटका, चेन्नई, इधर साइड में अधिक आपको शार्क देखने को मिलेगा, जो कि 40 यानी कि 40 करोड़ साल से है, 40 करोड़ साल से हो। आप कितने दूर यानी कि आप कितने दूर से किसी आवाज़ को सुन सकते हैं? जैसे कि ट्रेन का आवाज़, रेलवे का जो आवाज़ होता है वो बहुत अधिक दूर तक सुनाई देता है, लेकिन जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो मछली है, फिश, वो पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर आती ही है, लेकिन 24 किलोमीटर तक की आवाज़ वह सुन सकती है पानी के अंदर में। आपको जानकर है कैसा लगा बात? जी गाइस, जो जेली फिश मछली है वह कितने साल से पृथ्वी पर आ सक रहा है, जो जिसके अंदर यानी कि 95% से लेकर 98% पानी ही होता है, जिसको अगर पृथ्वी पर आप लेकर रख देते हैं तो वह पूर्ण रूप से गैस की तरह उड़ जाता है, जो कि पृथ्वी पर कितने साल से रह रहा है। जी हाँ, वह 65 साल यानी कि 65 करोड़ साल पहले से ही पृथ्वी पर रह रहा है। एक व्हेल मछली होता है, जी हाँ, लेकिन अगर व्हेल मछली, नीले व्हेल मछली को अगर कितने दिन तक आप खाना नहीं दे रहे हैं, यानी कि खाना वह नहीं खा रही, तो कितने दिन तक जीवित रह सकती है, आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड। जी हाँ, अगर आप उसे खाना नहीं खा रही है, अगर खाना नहीं दे रहे हैं, तो 6 महीने तक बिना खाए रह सकती है, जो कि नीले व्हेल, यानी कि सभी व्हेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नीले व्हेल होती है उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक बिल्ली और मछली कितने प्रकार के स्वाद को चख कर बता सकती है कि इतने प्रकार के स्वाद है, मैंने बिल्ली के बारे में स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। जी हाँ, बिल्ली और मछली जो कि 27 यानी कि 27,000 टेस्ट करके बता सकती है कि इसका टेस्ट यहाँ है, इसका टेस्ट यहाँ है, जो कि सबसे अधिक माने जाने वाले हैं से बिल्ली और मछली। लेकिन मनुष्य का जो टेस्ट है वह 7 यानी कि 7,000 प्रकार के टेस्ट को बता सकते हैं, उससे अलग नहीं होता। सबसे यानी कि सबसे बुजुर्ग मछली, अभी तक कौन सा मछली जो सबसे बुजुर्ग मछली कहे जाने वाले में से हैं, जी हाँ, वह 2003 तक ही वह मछली का जो आयु यानी कि वह कितने दिन तक जी सकती थी, वह 2003 तक 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब जिंदा है या मर चुकी है, आप 4 सेक्शन लिख सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन मछली थी। ऑस्ट्रेलियन मछली इतने अधिक दिन तक वह कैसे जी पाई थी, आप 4 सेक्शन में लिख सकते हैं। कौन सा ऐसा शब्द है जिससे यानी कि 2 वर्ड में वह पूर्ण रूप से अपने कार्य को बताता है कि यह व्यक्ति यह काम करने वाला है? जैसे स्लीप अधिक शब्द हो गया, गोइंग अधिक शब्द हो गया, कॉमिंग अधिक शब्द हो गया, लेकिन इसी शब्द मैंने जितना बोला है उसमें एक शब्द मैंने बोला हुआ है कि वह कॉम यानी कि 2 ही वर्ड में पूर्ण होता है, जैसे कि गो, गो यानी कि चला गया, गो गो या 2 ही शब्द, जी ओ गो 2 शब्द। जो इंग्लिश का कौन सा ऐसा शब्द है जो कि सबसे पुराना है, उसे आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड, मैंने तो प्रतिदिन इस वर्ड को रिपीट करते रहता हूँ लेकिन आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि यह पुराना शब्द है। जी हाँ, आपको पता कैसे चलता, इसी प्रकार के वीडियो देखिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन जो टाउन टाउन शब्द है वह बहुत पहले से ही कहे, जैसे कि अंग्रेज के ज़माने से उसे पहले से ही कहा जाता है कि अंग्रेज लोग टाउन में रहते हैं, हम लोग देहात में रहते हैं, अंग्रेज लोग टाउन में रहते हैं, हम लोग देहात। इंग्लिश का जो डिक्शनरी होता है वह उसमें बहुत अधिक यानी कि इतना उसमें वर्ड लिखा हुआ रहता है कि आप चाहें तो फिर से आप कोई किताब इंग्लिश में देख कर लिख सकते हैं, यानी कि डिक्शनरी में इतना वर्ड रखा हुआ है। उस डिक्शनरी वर्ड का सबसे पहली बार कब आविष्कार किया गया यानी उसे निर्माण कर दिया गया, 1755 ईस्वी में इंग्लिश डिक्शनरी को बनाया गया, जो कि उसके बाद बहुत अधिक लोग। कौन सा एक इंग्लिश का शब्द है जिसे आप 5 शब्द में लिख सकते हैं, यानी कि 5 शब्द में लिख दे, अगर 5ों शब्दों में से 4 शब्द को आप उसे इंड यानी कि 1 शब्द को छोड़कर बाकी 4 शब्द को हटा दे, तो जो आप 5 शब्द में बोलते थे जो शब्द, वह 1 ही शब्द में बोल सकते हैं, वह कौन सा है? ऐसे कि क्यू
क्यों, तो जैसे उसके लिख सकते हैं क्यू ए बी सी डी हो गया, लेकिन उसे पांच शब्द में लिखिएगा क्यू यू ई यू ई, इसे ही कहेंगे क्यू। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।